हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल वर्षा ब्लॉग्स एंड कुकिंग। तो आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। मटर पुलाव के लिए हमने इस कटोरी से 3 कटोरी चावल नापकर ले लिया है। हमने चावल को अच्छी तरीके से वॉश करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए भिगोकर रख दिया है। जब तक हमारा चावल भीगता है तब तक हम इसके छोंकने की तैयारी करते हैं। पुलाव छोंकने के लिए हमने ये 4 बड़ी प्याज ली हैं, जिनको हमने ऐसे लंबाई में चॉप कर लिया है। ये थोड़ा सा अदरक है, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। ये 5 टमाटर हैं, जिनको हमने क्यूब्स में काट लिया है। ये 3 तेज़पात के पत्ते हैं, 4 हरी इलायची है और थोड़े से काजू हैं। काजू ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर दीजिए। हरी इलायची मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास बड़ी इलायची नहीं है, इसलिए मैं हरी इलायची डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिए, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। ये हमने फ्रोजन मटर ली है, ये 250 ग्राम मटर है। ये हमने 3 आलू लिए हैं, जिनको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में हमने काट लिया है। ये लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर लिया है, ये जीरा, ये नमक, ये हींग और ये गरम मसाला लिया है। तो चलिए छोंकते हैं हम अपने पुलाव। हमने भगोने को गैस पे रख लिया और इसमें तेल डाल दिया है। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। ये हमने 1 चम्मच जीरा लिया, जीरा डाल दिया। अब हम इसमें तेज़पात और हरी इलायची डालेंगे। हरी इलायची हम इसमें अब काजू डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज और अदरक डाल देंगे। अब हम प्याज और अदरक को भूनेंगे ब्राउन होने तक। देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें अपने टमाटर डालेंगे। अब हम सभी मसाले डालेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च आप अपने तीखे के अकॉर्डिंग डालना। ये मैंने 3 चम्मच मिर्च पाउडर डाला है। अब हम धनिया डालेंगे। पिसा हुआ धनिया, दो चम्मच पिसा हुआ धनिया, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब हम सभी मसालों को मिक्स करेंगे। हम मसालों को थोड़ी देर ऐसे ही भुनने देते हैं। हमारा मसाला भुन चुका है, हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे बस। अब हम हींग और मसाले को मसाले में मिक्स कर देंगे। हम मसाले में आलू डाल देंगे। अब हम मटर डाल देंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। अब हम जिस कटोरी से हमने चावल नापे थे उसी कटोरी से हम पानी डालेंगे। हमने 3 कटोरी चावल लिए थे तो हम इसमें 7 कटोरी पानी डालेंगे। वैसे तो नॉर्मली जितना चावल होता है उसका दुगना पानी डलता है, पर हम इसमें पहले अपने आलूओं को गलाएंगे, इसलिए हम 1 कटोरी पानी ज़्यादा डालेंगे। हमने बाउल में कटोरी से पानी नाप लिया है, ये 4 कटोरी पानी है। अभी हम 3 कटोरी पानी और डालेंगे और ये 3 कटोरी पानी हम इसमें और डाल देते हैं।
अब हम पानी को जब तक उबालेंगे जब तक हमारे आलू गल ना जाए। ये देखिए हमारे आलू गल चुके हैं और बाकी जो कसर रह जाएगी वो जब हम चावल डालेंगे उसके साथ पक जाएंगे, जिसमें हम अपने चावल डाल रहे हैं। देखिए हमने चावल डाल दिए हैं। अब हम अपने गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और अपने भगोने को ढककर रख देंगे, जिससे कि हमारे चावल धीरे धीरे पकते रहें। हमने भगोने को ढक दिया है, हम अपने चावल को बीच बीच में चलाते रहेंगे। हम अपने चावलों को एक बार चला लेते हैं। इसे ढककर फिर दोबारा से इसे ढक देते हैं। ये देखिए हमारे चावल हो चुके हैं। हम अपनी गैस को ऑफ कर देते हैं। देखिए हमारा मटर पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए देखने में कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है, खाने में भी बहुत ही यम्मी है। आप भी बनाइए और हमें कमेंट में बताइए कि यह मटर पुलाव बनाने का तरीका आपको कैसा लगा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि यह कैसा बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।